इसमें से पानी कैसे? ओके, नीचे प्रेस करना पड़ेगा। हाँ जी। ओह थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमें फॉर सम अर्जेंट रीज़न गुवाहाटी जाना पड़ रहा है। मुझे मम्मी ने ऑफिस से पिक कर लिया। पैकिंग एक्चुअली हमारी कल ही हो गई थी, बट हमारा सिचुएशन थोड़ा सा डाइसी था। एक्चुअली मेरी ग्रैंड मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो रात से ही हमें सोने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इन बिटवीन हमने एक पावर नैप भी ले लिया। ऑन द वे ये पूरा एरो सिटी है। यहाँ पे आपको सारे 5 स्टार्स सारे होटल्स मिल जाएंगे। ये एयरपोर्ट के विद इन 4 to 5 किलोमीटर के रेडियस में ही पड़ता है। अगर आपको कभी इमीडिएटली एयरपोर्ट जाना हो और आप ट्रैवल ज़्यादा दूर नहीं कर सकते, तो यहाँ के किसी भी होटल्स में आके आप रुक सकते हैं। वैसे हमारा भी प्लान यही था, बट हमारा पोस्ट लंच हमारा फ्लाइट टाइम था, तो इसलिए हमने सोचा कि होटल में रुकने हमने मतलब अवॉइड ही किया। ये एयरपोर्ट का जो रास्ता होता है ना, ये 4-lane road है, और यहाँ पे एक स्पीड लिमिट भी मेंटेन करना पड़ता है, तो अवॉइड रैश ड्राइविंग और स्पीडिंग। और यहाँ पे चारों तरफ आपको दोनों रोड के दोनों साइड आपको फ्लावर्स, होर्डिंग्स, सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और ये हम एयरपोर्ट की तरफ एंटर कर रहे हैं, और ये है टर्मिनल 3। थैंक यू भाई साहब। वेलकम मैम। भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लोग मतलब प्लांटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं और मेंटेन करते हैं सारी चीज़ें तो उनके लिए। ओके, आप लोग भी थोड़ा स्माइल कर सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे एंटर करते ही हमने अपने फ्लाइट का टाइम चेक किया। इट्स ऑन टाइम। और इस शॉप में मम्मी को कुछ लेना है, तो देखते हैं क्या मिलता है। आइए। बैग्स, ट्रॉलीज, ये कुछ मसालेज दिख रहे हैं। ओ, ये है असम टी। ये है मिठाइयाँ। फिर यहाँ पे ओके, लॉर्ड गणेशा के छोटे छोटे मूर्ति, काफ़ी सुंदर है। ओ, हियर आर द पर्ल सेट्स। इसमें देखना पड़ेगा अच्छे से, कुछ एक तो लेना पड़ेगा। ओके, ये छोटे छोटे सॉवरेन। ओह, नेक पिलोज। और ये है दूसरे शॉप्स। यहाँ पे हमने एक नेक पिलो ले लिया। मुझे तो, मेरे पास तो ऑलरेडी है, मॉम का छूट आया था। ओके, यहाँ पे फ्री वाईफाई भी है। फिर हम इंफॉर्मेशन डेस्क में गए। इंफॉर्मेशन डेस्क वालों ने बताया कि एयर एशिया का काउंटर सी है। ये है काउंटर सी। हेलो, गुड आफ्टरनून। व्हेयर आर यू ट्रैवलिंग? गुवाहाटी। गुवाहाटी। हां, हाउ मेनी बैगेज यू हैव गॉट? ओनली वन। दिस मैच शो यू डोंट हैव एनी ऑफ दिस मैचेस लाइक योर पावर बैंक। स्टॉप प्रोहिबिटेड आइटम्स, चेक इन। नो, थैंक यू। चेक आउट। अब हमें गेट नंबर 43 पे जाना है। उससे जाने से पहले सिक्योरिटी चेकिंग के लिए भी जाना पड़ेगा। हेलो, ये हमारे पुराने नेबर्स मिल गए हमें एयरपोर्ट में। और ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम नहीं ले जा सकते हैं। ओह, एक्चुअली वी हैव अ फ्रूट नाइफ, उसको डिस्पोज करना पड़ेगा।
अब यहाँ से सिक्योरिटी चेक इन क्लियर करने के बाद यहाँ पे शॉप्स एक लाइन से स्टार्ट होता है. यहाँ पे आपको मोर देन 100 शॉप्स मिलेंगे और इस टाइम पे तो लगता है सेल भी चल रहा है. ओ वैसे मेरा मन तो है काफ़ी सारे शॉप्स में देखने के लिए, बट घर का माहौल भी ऐसा है कि चलिए इस बार शॉपिंग कैंसिल ही करते हैं, इस तरफ चलते हैं. लंच तो हमने किया नहीं था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम फूड कोर्ट पे जाएंगे जो कि ऊपर जाना पड़ता है. उसके लिए हमने एस्केलेटर लिया. और इस बार मुझे बताया गया कि यहाँ पे फूड कोर्ट में एक नया ऐप के थ्रू आप खाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ना खाना ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइन में लगना नहीं पड़ता है. ये है वो ऐप ग्रैब एंड गो. तो इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि कैसे आप विदाउट स्टेइंग इन क्यू अपने कार्ड से पे करके आप ऑर्डर कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली आपका फ़ोन का लास्ट डिजिट जो होगा वो आपका ऑर्डर नंबर होगा, जिससे आप अपना सामान कलेक्ट कर सकते हैं. इजंट इट इज़ ईजी. तो ये ऐप के बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के प्रेजेंट करूँगी. और अब हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं. ओह लगता है अंधेरा हो जाएगा हमारे फ्लाइट के टाइम तक. गेट्स की तरफ जाने से पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में रेस्ट रूम मिलेंगे, फिर प्रेयर रूम भी है. प्रेयर रूम से फिर हमें लेफ्ट के साइड से ही जाना पड़ेगा. यहाँ पे गेट नंबर 37 से लेके 62 है. ओह ये सूर्य नमस्कार के सारे पोजेस मैंने एक राउंड मारा और देखा भी. अब हम हॉरिजॉन्टल एस्केलेटर में जा रहे हैं. हमारा गेट वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, बट लास्ट टाइम हमारे साथ काफ़ी एक फनी सा इंसिडेंट हो गया था. तो इस बार हम ऑलमोस्ट सारे अनाउंसमेंट सुनने वाले हैं, क्योंकि आपके गेट्स कभी भी चेंज हो सकते हैं. और काफ़ी सुंदर है, टर्मिनल 3 काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी सुंदर भी है. और सडनली अगली बार जो हम इस बार एंटिसिपेट कर रहे थे, हमारा गेट नंबर 43 से गेट नंबर 50 हो गया. ये देखिए कोई भाग भी रहा है. अब ये हमने टेक ऑफ किया और ये लैंडेड. वेलकम टू गुवाहाटी. वेलकम टू लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और यहाँ से हम बेल्ट नंबर 1 में जाएंगे अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए. लैंड करते ही हमें काफ़ी भूख लग रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि ऑन द वे ही हम एक रेस्टोरेंट में जाएंगे जो कि अगेन मम्मी का फेवरेट है. इट्स नेम इज एयरवेज. Open up.
definitely going to my home sweet home.